भिवानी की लोहारू अनाज मंडी में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली हुई। जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि बीजेपी सरकार अब तक मिशन मोड में काम करते हुए प्रदेश के विकास कार्यों की झड़ी लगाई हुई है, जबकि कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में मिशन मोड न होकर कमीशन मोड था। ये बात उन्होंने भिवानी जिला के लोहारू में वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद रैली में कही है। जो उत्साह, जो जोश मुझे लोगों का देखने को मिल रहा है, मेरा उत्साह इतना बढ़ गया है कि मुझे ये विश्वास है कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ बनेगी। भाइयों, मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से एक गरीब बेटे, एक किसान के गरीब बेटे को ये हरियाणा की जिम्मेवारी दी है, हरियाणा के अंदर एक मिशन मोड के अंदर सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि इन 10 वर्षों में देश की और प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश की बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चलाकर उनकी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जबकि वे अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने मंच के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा बताएं कि उनके 10 साल के कार्यकाल में पर्ची खर्ची से नौकरी, किसानों की जमीन हड़पने, प्रदेश में पिछड़ा वर्ग से जुड़े मिर्चपुर और गोहना जैसे कांड करवाने के अलावा क्या काम हुआ। भाइयों, आज जब इनके पास बोलने के लिए नहीं है, आज ये हिसाब लेने के लिए घूम रहे हैं। मुझे तो एक बात याद आती है, मैंने भी पहले इसकी चर्चा एक जगह और की थी। भाइयों, मुझे तो हुड्डा साहब और कांग्रेस के लोगों पर ये देख करके अचरज होता है कि ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। एक कहावत है कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं, हमारे खाते लिए फिरते हैं। भाइयों, ये लोग जिन्होंने हरियाणा को लूटने का काम किया, जिन्होंने हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने गरीबों के घरों को जलाने का काम किया, भाइयों, वो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं। कमाल हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 23 लाख परिवारों को रोडवेज बस में फ्री यात्रा के लिए हैप्पी कार्ड बनाया गया। 50,000 युवाओं को बगैर पर्ची और खर्चे की नौकरी लगाने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की, जबकि कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग युवाओं को नौकरी लगने से रोकने के लिए चुनाव आयोग और कोर्ट के पास तक गया, ताकि युवा भर्ती भी न हो सके। भिवानी से इंद्रविश दुहन की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।